अशुभ देह। इस संसार के रहने वाले लोग, सामान्य लोग अशुभ के बारे में बात करने में बात करने के लिए थोड़ा भी पसंद नहीं है। संसार के रहने वाले लोग अपना शरीर का सच्चाई अशुभ शुभ प्रकार से पकड़ के रहते वर्णन करते हैं। शरीर का ये सारे अशुभ को मनन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग समझते हैं। शरीर का सच्चाई को मनन करना लोग अशुभ मानता है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जी दुनिया में प्राप्त होने के कारण संसार के सत्य सही प्रकार से दिखाए थे। उन्होंने उनकी जन्म के कारण हम सभी लोगों को संसार की सत्य सत्य रूप से ही देखने का भाग्य मिल गया। तथागत ने हम लोगों को बताया अशुभ चीज अशुभ प्रकार से देखना चाहिए, अनित्य चीज अनित्य प्रकार से देखना चाहिए, जो दुख है वो दुख प्रकार से देखना चाहिए, जो अनात्म है जो अपना वश में नहीं कर सकता है वो चीज अनात्म प्रकार से देखना चाहिए। इसलिए अशुभ चीज अशुभ प्रकार से देखना अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक मतलब क्या है? अशुभ चीज शुभ प्रकार से देखना, सुंदर प्रकार से देखना वो स्वाभाविक नहीं है। अपनी शिष्य लोगों को जीवन का यथार्थ दिखाने वाले दिखाने के लिए तथागत के मन में अभिलाषा था। गृहस्थ जीवन में अपना एक ही पुत्र राहुल कुमार को चीवर पहनाकर निरंतर इसी प्रकार तथागत अनुशासन किए थे। पुण्यवान राहुल मन को खींचने वाले प्रिय स्वभाव वाले पंचकाम गुण के बारे में जो कुछ जल्दी अपने से त्याग नहीं कर सकता है, वही पंचकाम गुण के बारे में आसक्त को त्याग करके आप अपना शास्त्रु तथागत के ऊपर पूरे विश्वास करके गृहस्थ जीवन से गृहस्थ जीवन को छोड़ के प्रवादित जीवन में आने के बाद अपना मन को बहुत पवित्र करके आप चीवर पहनने के बाद ये सांसारिक दुख को खत्म करने के लिए कोशिश करिए। आर्य सत्य धर्म के बारे में अच्छे से जान लीजिए, कल्याण मित्र लोगों के साथ संगत करिए, जनता एवं हल्ला गुल्ला से मुक्त होकर शांत आश्रम में कुटिया में रहने के लिए कोशिश करिए। जो पहनता है चीवर के बारे में, खाने वाले भोजन के बारे में, सोने वाले आसन के बारे में कभी भी आसक्त ना होइए, कभी भी इस दुनिया में वापस मत आइए। जो कुछ समाधान हो गया, जो प्राप्त किया, वो सील को अच्छा से सुरक्षा करिए। अपनी इंद्रियों को शांत करिए, निरंतर कायानुपासना ध्यान करके संसार के बारे में हर पल अनासक्त मन से ही निवास कीजिए। मन की राग उत्पन्न होने वाले शुभ कारण होता है, शुभ निमित्त होता है, शुभ संकल्प होता है। मन में राग उत्पन्न होने वाले वो सारे शुभ कारण दूर से ही दूर कर दीजिए। अच्छी तरह शांत किया हुआ एकाग्र किया हुआ मन से अशुभ भावना करिए। कभी भी नित्य सुख आत्म इत्यादि प्रकार से कोई भी निमित्त कोई भी कारण अपना मन में मत लीजिए। जो कोई निमित्त होता है कारण होता है वो सारी चीज नष्ट करने वाले विदर्शना भावना के लिए अपना घमंडी जड़ से उखाड़ दीजिए।
इसी प्रकार सारे अहंकार से मुक्त होकर शांत हो शांति मन से जीवन बिताइए। इसी प्रकार राहुल सूत्र में सूत्र निपात में तथागत भगवान बुद्ध जी राहुल बंते जी को उपदेश दिए थे। अशुभ भावना का मतलब कुछ समय तक अशुभ ध्यान करके त्याग करने वाले ध्यान नहीं है। अशुभ ध्यान बिना त्याग करके निरंतर हमेशा प्रयास करने वाले एक भावना है। देखिए तथागत की अनुशासना, तथागत ने बताया पुण्यवान भिक्षु शरीर के बारे में अशुभ देखते ही रह जाइए। आनापानसति आपका मन में रह जाए, सारे संस्कार धर्म अनित्य प्रकार से देखते रहिए। पुण्यवान भिक्षु इसी प्रकार शरीर का अशुभ को देख करके रहते समय जो कुछ शुभ है सुंदर है उसी प्रकार विचार मन में कभी आता नहीं है। इसी प्रकार शुभ विचार नहीं आने से जो कुछ राग है जो कुछ मान है अहंकार है वो सब दूर हो जाता है। पुण्यान भिक्षु ये शरीर में जो कुछ अशुभ है वो चीज अशुभ प्रकार से अगर देखेंगे तो जो शुभ है सुंदर है वैसा मन में उत्पन्न होने वाले सारे राग होगा तो वो सब कुछ दूर हो जाता है। अगर अशुभ चीज अशुभ प्रकार से देखेंगे तो अपना मन में आनापान सति अच्छा से रह जाएगा तो सारे मन को पीड़ा तकलीफ देने वाले नीच वितर्क नीच विचार कभी उत्पन्न नहीं होता है। सारे संस्कार धर्म अनित्य प्रकार से देखते रहने से जीवन के बारे में जो कुछ मोह है सारे मोह दूर हो जाता है। जो कुछ अवबोध ज्ञान है वो उत्पन्न हो जाता है। ये उपदेश तथागत बताए इति उत्पाली में। आजकल बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कुछ मिनट तक अशुभ ध्यान करके इसके बाद आनापानसति ध्यान करने के लिए, लेकिन जिसको इसी जीवन में ही सत्य प्राप्त करके सांसारिक सारे दुख से मुक्त होना चाहेंगे तो वो निरंतर अशुभ ध्यान करना पड़ेगा। वो अशुभ ध्यान जीवन के बारे में आश्चर्य प्रकार से आपको सब कुछ समझाएगा। अशुभ ध्यान ये जीवन के बारे में चमत्कार ज्ञान आपको दिलाएगा। तथागत सद्धर्म कभी भी अद्भुत प्रकार से प्राप्त होने वाली चीज नहीं। ज्ञान से मनन करते बहुत प्रयास करके बहुत उत्साह करके प्राप्त करने वाले उत्तम रास्ता है तथागत भगवान बुद्ध की मार्ग। एक दिन भगवान बुद्ध जी वैशाली में रहते समय शाम के समय में भंते लोगों का गिलान शाला में आए थे। वहां एक कमजोर पतला दुबला बीमार एक भंते जी को देख लिया। तब भगवान बुद्ध जी उस भंते जी के पास आकर के वहां सारे भंते लोगों को बताए थे कि पुण्यवान भिक्षु कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ के कमजोर हो के जाएगा तो ये पांच कारण बिना त्याग करके अगर प्रयास करते रह जाएगा तो वो कुछ समय में सारे मन की गंदगी को खत्म करके उत्तम अरहत्व को संपूर्ण कर सकता है। यानी कि ये पांच कारण पहले से ही प्रयास करते रह जाएगा तो वो बीमार पड़ते समय सारे दुख से मुक्त हो सकता है।
क्योंकि बीमार पड़ते समय उसको अच्छे से अनुभव हो जाता है। पहला, शरीर में जो कुछ अशुभ है, गंदगी है, उसको देखते रहना। दूसरा, आहार के बारे में पर्टिकुल संज्ञा में रहना। आहार के बारे में पर्टिकुल संज्ञा मतलब ये भोजन अंदर जाता है, अंदर जा करके अंदर ये भोजन को क्या हो जाता है, फिर ये भोजन फेंकाना बन के निकल जाता है, आहार का सत्य। तीसरा, ये संसार के बारे में आसक्ति दूर करके रहना, इसका मतलब अनित्य ध्यान। इसके बाद चौथा, भी सारे संस्कार के बारे में अनित्य देखना। पंचमा, जीवन का अनित्य को देखते रहना और मृत्यु के बारे में मनन करते रहना, मरण सति। इसी प्रकार जो कोई विमुक्ति को खोज के रहता है, वो लोग निरंतर ये धर्म को प्रयास करना चाहिए। छत्तर सतिपाठान सही प्रकार से प्रयास करने से अपना मन में चार इर्दिपाद धर्म को बढ़ते जाएगा, वो होते रहता है। चार सतिपाठान में हम लोग रह जाएंगे तो चार इर्दिपाद धर्म मन में बढ़ता जाएगा। वो इर्दिपाद धर्म को उपकारी होने वाले विस्तार तथागत भगवान बुद्ध जी एक बार बताए थे इस प्रकार, यथा अधो तथा उद्धं, तथा उद्धं यथा अधो। इसका मतलब नीचे जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ऊपर भी होता है, ऊपर जिस प्रकार है उसी प्रकार नीचे भी होता है। यहां नीचे का मतलब है सिर से नीचे जगह, ऊपर मतलब तलवा से ऊपर जगह। नीचे मतलब क्या है, सिर ऊपर बाल से नीचे सब कुछ, और नीचे ऊपर मतलब तलवार से ऊपर सब कुछ। ये ऊपर नीचे अगर सही प्रकार से देखते रह जाएगा, ध्यान का शुभ ध्यान करेगा तो देखते रह जाएगा तो उनको सब कुछ समझ सकता है। इद्धिपाद विभंग सूत्र में है, संगत निकाय में, तो ये अशुभ ध्यान के बारे में बता रहे हैं सतिपाठान सूत्र में। तथागत ने बताया, अति इमस्मिन काये, पृथ्वी आपो तेजो वायु से बनाया हुआ इस शरीर में है, केस है, काला रंग का, जलने के बाद गमकने वाली, जल्दी मिट्टी बन जाने वाली केस, लोमा, निरंतर पसीना एवं गंदगी के साथ सट के रहने वाले, गमकने वाली रोमा, नाखा मतलब नाखून, जल्दी मिट्टी बन जाने वाले स्वभाव है, गमकने वाले, खून से उत्पन्न होने वाले नाखून, दांत मतलब जल्दी अंदर सड़ता है और बदबू मारता है, निरंतर बदबू मारता है, अगर थोड़ा भी साफ नहीं करेगा तो गंदगी बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको एक नाम है, वैसा गंदगी है। अगर एक दो दिन तक साफ नहीं किया तो किसी के साथ बात नहीं कर सकता, पूरा बदबू मारता है, वही दांत है। ताचो त्वचा, अगर ये त्वचा कुछ समय तक साफ नहीं करेगा तो त्वचा का चमड़ी निकल जाता है अपने आप, कभी कभी घमौरी, खुजली,
कभी कभी कुष्ठ और अलग अलग प्रकार की बीमार, अलग अलग प्रकार की बीमार इस चमड़ी में होते रहता है। बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है इस चमड़ी में कई प्रकार की बीमार होते रहता है, छूने का मन नहीं करता है, दर्शन करने का मन नहीं करता है। इसी प्रकार गंदगी त्वचा सबके पास है। मांसंग यानी कि मांस, कभी घाव लग गया तो उसी घाव से पीप निकल जाता है, तथा जल्दी घाव लग गया तो खीरा बन जाता है इस मांस में। कहीं एक्सीडेंट हो के मांस का टुकड़ा इधर उधर फेंका गया तो कोई नहीं चुएगा, सब जाएगा भी नहीं, इतना गंदगी मांस। नहारू, नहारू मतलब नश, लाती जैसा लंबा लंबा नस, हजारों हजार नस पूरे शरीर में भरा हुआ है, गंदगी खून इधर उधर जाने वाले, मांस के अंदर से इधर उधर जाने वाले नस। अट्ठी, अट्ठी मतलब हड्डियां, खोपड़ी, गला का हड्डी, कंधा का हड्डी, हाथ का हड्डी, अंगुली का हड्डी, छाती का हड्डी, कमर का हड्डी, पीठ का रीढ़, इसके बाद जंग का हड्डी, घुटने का हड्डी, पैर का हड्डी, पैर का अंगुली का हड्डी इत्यादि। नस एवं मांस से बंद हो गया हुआ कंकाल सारे लोगों के पास है, वो अट्ठी। फिर अट्ठी मिंजंग, अट्ठी मिंजंग मतलब हड्डी के अंदर जेली जैसा घमकने वाले कुछ है, उसको अस्थि मिंज कहते हैं, अस्थि मंज। वाक्कांग, वाक्कांग मतलब आम का बीज जिस प्रकार है उसी प्रकार ले खून के साथ मिलने वाले, तथा पानी को छानकर मूत्र बनाने वाली किडनी, इसको वाक्कांग कहता है। फिर हृदयांग, हृदयांग मतलब हृदय, दिल, खून पूरा शरीर के हर जगह फैलाने वाले, खून का मेन जगह है, बहुत गमकता है, बदबू मारता है। और एक मांस का पिंड है वो है हृदय, दिल। इस पर यकनंग, यकनंग मतलब आकमा, आकमा कैसे जानता है, बहुत गमकने वाले, बहुत बड़ा खून का गुच्छा जैसा बड़ा, और उसको निकाल दिया तो पूरा बदबू मारता है आकमा। शरीर का मेरे ख्याल सबसे बड़ा वही है, आत्मा है अंदर। आत्मा के साइड में पित्तास है, पित्तास, 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 पित्ता मेरे ख्याल से, वो भी एक मांस जैसा है नीला रंग का, वो भी गमकने वाले, उसको किलोमकंग कहता है। पीला रंग का आप पीत है ना, पीत निकालने वाले पित्तास, वो पित्तास आत्मा में सटा हुआ है पित्तास, उसको किलोमकंग कहता है। उसमें पीत, पीत जानते हैं ना, पीत निकल, इसका किलोमकंग वही पीत है। पिहकंग, पिहकंग मतलब पिघलने वाले, गमकने वाले, मांस का टुकड़ा जैसा, उसको कहता है पेट का जीव, वो पिहकंग है। फिर पप्पासंग, पप्पासंग मतलब फेफड़ा, हर जगह फेफड़ा के अंदर कैसे रहता है, बहुत बहुत छोटा 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 छोटा
मांस का टुकड़ा इधर उधर पूरा फेंका हुआ है, श्वास लेने से फूल जाता है, श्वास निकल जाने से सूख जाता है वो फेफड़ा। फिर अंतंग, अंतंग मतलब अंतंग मतलब चोटियात, चोटियात सांप को, सांप बहुत लंबा एक सांप ऐसे अपना शरीर मोड़ के रहने से कैसे रहता है, वैसा शरीर के अंदर पूरा मोड़ मोड़ के रहने वाली, पूरा बदबू मारने वाली, उसके अंदर बहुत सारे कीड़ा है। सारे लोग का चोटी आत में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ा है, उसी कीड़ा भरा हुआ चोटी आत अंतंग। अंत गुणंग मतलब बड़ी आत, जो हम लोग भोजन करता है वो भोजन फेंकाना होते हुए एक नल के अंदर से जाता है, जाते जाते असूचि भर जाता है, वो असूचि भरा हुआ एक नल है वो है बड़ियात। उदरयंग मतलब पेट, हम लोग खाना खाते समय तुप ककार के साथ खाना मिल जाता है, मिलने के बाद वो खाना टूट के गर्दन के अंदर जाता है, जाकर के एक बैग जैसा होता है पेट, आमाशय कहता है, उसी आमाशय में जाता है, फिर जाने के बाद उल्टी जैसा है सारे कान उसके अंदर, वो आमाशय हम लोग का शरीर के अंदर है। तो खरी संग मतलब हम लोग जो भोजन करने को, तो भोजन पच जाता है, पचने के बाद गमकने वाली मिट्टी जैसा बन जाता है, बहुत गमकता है, वो क्या है पेकाना, पेकाना को खरी संग कहता है। फिर मत्थलुंगम मतलब ये खोपड़ी के अंदर खच्चा नारियल का अंदर गुच्छा जैसा पूरा इधर उधर घुमाया वाला नल जैसा बनाया हुआ गमकने वाले दिमाग है खोपड़ी के अंदर, बहुत बदबू मारते उसे दिमाग से उजला रंग का, उसको कहते हैं मत्थलुंगम। सब पित्तंग मतलब पीत। इसके बाद सेमहंग, पीत मतलब पीला रंग का, कभी कभी उल्टी करते से पीत आ जाता है, पूरा थीता है हम लोग का पीत, जानवरों का पीत थीता है, किसका भी पीत थीता, हम लोग का भी पीत थीता है, पीत फट गया तो पूरा पीला पीला जैसा नजर आएगा। फिर इसका सेमहंग मतलब वो क्या है, काकार है ना, काकार मतलब जानवर उल्टी करने का कैसे लगता है, कुत्ता उल्टी करने के बाद घास काके, वैसा काकार है, बहुत बदबू मारते इस काकार में, काकार एकदम क्या है तुरंत स्लिप कर जाता है, वैसा काकार हमारा शरीर में है। इसका पुब्बो मतलब वो है क्या है? पीला रंग का खून खराब होने के बाद, ये खून खराब होने के बाद जल्दी कीड़ा बन जाता है, वैसा स्वभाव है, क्या है वो पीप में, उसी पीप हमारे शरीर में अंदर भी है बाहर, अगर थोड़ा सा भी कहीं काटा लग गया तो जहरीला काटा हाथ में कहीं लग गया तुरंत पीप बन जाता है एक घंटा में। इसके बाद सेदो, नमक का पानी जैसा बहुत गमकने वाले, पूरा शरीर के हर जगह इधर उधर जाने वाले पसीना सुगंध देता है, बिल्कुल नहीं, पूरा बदबू मारता है। मेदो मतलब चमड़ी और मांस के बीच में रहने वाले थिल, उसको कहता है चर्बी ना, चर्बी, पूरा बदबू मारता है पीला रंग का। अस्सु मतलब ये दोनों आंखों से
निकलने वाले पानी पूरा पसीने में नमक जैसा गमकने वाले आंसू। इसके बाद वसा, वसा मतलब तेल है, वो कैसा तेल है। पसीना आने के बाद हम लोग पसीना पोछते नहीं कभी कभी, फिर पसीना शरीर में रहते रहते पसीना के कारण शरीर सटने लगता है ना, वो सटने वाले चीज है वसा, उसको वसा कहता है। पसीना को क्या कहता था? सेदो। इसके बाद पसीना सूखने के बाद फिर साटना जैसा हो जाता है, वो वसा है। इसके बाद खेलो, खेलो मतलब ये मुंह के अंदर बहुत बदबू मारने वाले थूप है सारे लोग के पास, वो खेलो श्रीलंका में खेला कहता है। इसके बाद सिंघानिका, सिंघानिका मतलब पीला रंग से वो ककार पीला हो जाता है ना, ककार हम लोग सर्दी आने के बाद काफ फट जाता है, वो वही काफ वही है सिंघानिका। इसके बाद लसिका, ये हम लोग ये आराम से क्यों कैसे झुक सकता है, क्योंकि हर एक जोड़ों के पास जेली है, उसी जेली के कारण आराम से हम लोग ऐसे मोड़ सकता है। बूढ़ा होते हो तो जेली सूख जाता है, तब उन लोग बोलता है घुटनी झुका नहीं सकता है, ये दर्द वो दर्द वो दर्द घुटनों का दर्द वात ऐसे कहता है, वो उसी जेली को कहता है लसिका, वो भी बदबू मारता है बहुत गमकता है। इस बात मूत्तंग, मूत्त मतलब मूत्र, जो हम लोग पानी पीते, पानी पीने के बाद वो पानी फिर शरीर से हटा हटा देते हैं, फिर शरीर से निकलने के साथ साथ किडनी से वो पानी साफ करके फिर एक बैग है, उसी बैग में गंदा पानी भर जाता है, वो है मूत्र, वो मूत्र। फिर इसी प्रकार गंदगी चीज हमारा शरीर में भरा हुआ है, हमारा शरीर में अगर ये मांस थोड़ा हटा के देख लिया तो मांस आपका हटा दे तो कौन दिखेगा इस शरीर को, कोई नहीं दिखेगा। इसके बाद पूरा मांस भी निकाल दिया तो अंदर हड्डी कौन देखेगा, हड्डी भी काट दिया तो अंदर पूरा भरा हुआ है दिल फेफड़ा वगैरह सब सब, वो सारे गंदगी भरा हुआ शरीर सारे लोगों के पास है, मेरे पास भी वैसे शरीर है, मेरे दोस्तों के पास में भी है, सुंदर लोग के पास है, कुरूप लोग के, सारे लोगों के पास यही शरीर है। ये शरीर किसी का वश में नहीं कर सकता है, ये शरीर दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा है, ये शरीर कभी सदाकालिक नहीं कर सकता है। कभी कभी ये शरीर गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने से शरीर गुस्सा होने से बुखार लग जाता है, कभी कभी शरीर दर्द कर जाता है, उसको कहते हैं शरीर गुस्सा हो जाता, वो शरीर गुस्सा होने से सिर दर्द हो या घुटनों का दर्द अलग अलग प्रकार की बीमार उत्पन्न हो जाता है, कैंसर। तो ऐसा शरीर का एक अस्पताल, बीमार का अस्पताल जैसा है ये शरीर, हजारों हजार बीमार इस शरीर में, अभी भी आप लोगों के शरीर में कई कई प्रकार के बीमार है, एक बीमार नहीं हजारों हजार, कोई नहीं बीमार नष्ट कर सकता, ना ही भगवान ना ही कोई नहीं नष्ट, शरीर का स्वभाव ऐसा है मरने दम तक। तो मेरा शरीर भी वैसा गंदगी है, दूसरों का शरीर वैसे ही गंदगी है, ये शरीर अनित्य है, अनित्य होने वाले ये शरीर, मेरा नहीं मैं नहीं मेरी आत्मा नहीं, ये है अशुभ ध्यान।